तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो फीचर है या बोल सकते हैं ये जो हिडन सेटिंग है बहुत ही यूजफुल है और हर बंदे को एक ना एक बार तो इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्या यह हिडन फीचर है या बोल सकते हैं क्या यह सेटिंग है, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों, या बोल सकते हैं हिडन सेटिंग। वो ये है दोस्तों, होता क्या है, हमारे पास जब भी कोई कॉल या फिर कोई अलार्म या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हमारे पास कोई कॉल आता है, जो मैं आपको बताता हूँ करके। लाइक मान लो मेरे पास या आपके पास कोई भी डिवाइस में कॉल आता है, तो हम उस कॉल को उठाने के लिए या तो स्वाइप अप करना पड़ता है उठाने के लिए, या फिर उसको काटने के लिए हमें उसको स्वाइप अप करना पड़ता है। कैसे, तो आप अभी देखिएगा। जैसे मान लो मेरे पास अभी यह कॉल आया, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये कॉल आया, अब मुझे इस कॉल को उठाना है तो मुझे स्वाइप अप करके उसको ऊपर करेंगे तो ही उठा पाऊंगा, या फिर स्वाइप अप करके इधर करूंगा तो ही इसको मैं काट पाऊंगा। मतलब कि हम उसको टैप करके नहीं उठा सकते। आप देखेंगे हम इसको टैप करके उठा और काट नहीं सकते। तो जो आज का हिडन फीचर है वो इसी से है कि आप अब अपने कॉल को या फिर अलार्म को जो भी एक्टिविटी आपको स्वाइप अप करके करनी पड़ती है, आप वन टैप से भी कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपके अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पे उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको जाना है इंट्रेक्शन एंड एक्सेक्सिलिटी पे, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, आपको उसको ऑन कर लेना है। असिस्टेंट मेन्यू को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, रिप्लेस स्वाइप विद सिंगल टैप। तो आपको इसको तो ऑन ही कर लेना है, इसके बाद ही वो सिंगल टैप वाला ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्ड टू अलार्म अलर्ट इनकमिंग कॉल बाय टैपिंग इनसाइड ऑन स्वाइपिंग के लिए ये काम करता है। बाय डिफॉल्ट आपको इतने में मिलेगा, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा ये ऑन हो गया है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी दी गई है, और साथ में आप इसको ऑन करके, जैसे मैंने ऑन कर लिया, अब ऑन करने के बाद अब मैं इसको अब दोबारा मैं कॉल लगाता हूँ तो आप देखेंगे अब टैप से भी कॉल को पिकअप और मैं डिसकंटिन्यू भी कर सकता हूँ। कैसे, तो लाइक मैंने यहाँ पर कॉल आएगा, अब देखिएगा अभी फिर दोबारा लगाया मैंने, जैसे कि अभी कॉल आ रहा है, अब मैं सिंगल टैप करूंगा आपके सामने और कॉल यहाँ पर उठ गया। आप देख सकते हैं कॉल उठ गया, मैंने पॉपअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा कॉल यहाँ पर उठ गया। अब ऐसे ही अगर मैं दोबारा लगाता हूँ और मैं अब सिंगल टच करूंगा और कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर हमें बार बार स्वैप करने से हम परेशान हैं तो हम जैसा सिंगल टैप वाला ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको असिस्टेंटली में मेन्यू को ऑन करके रखना होगा, जिसको आप यहाँ से कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। ये आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइट हो जाएगा। इसमें और एक ही और चीज़ कर सकते हैं आप, इसमें वापस सेटिंग पे जाएंगे, एसेबिलिटी पे जाएंगे, इंट्रेक्शन पे जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहां पर इसको एज आइकन पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एज आइकन में चला गया है, जब एज में ऑन करते ही वो आपको यहां पर दिख जाएगा, एज पैनल पे चला गया। आप उसको यहां से स्वाइप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको इतने सारे एक्टिविटी भी दी गई हैं, आप यहाँ से इन एक्टिविटी को भी कर सकते हैं। अगर आप इन एक्टिविटी को कस्टमाइज करना चाहें तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए सिलेक्शन एज मेन्यू पे, आप सबको यहाँ से हटा लीजिए, जिन जिसको आपको जो जो चाहिए आप उसको ले लीजिए। लाइक मेन्यू सेटिंग आ गई, और चाहें तो आप यहाँ पर लॉक की या फिर बोल सकते हैं स्क्रीन ऑफ को रख सकते हैं, और चाहें तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं। जिनको आपको लेना है आपको उस पर ले लीजिए। लाइक मैंने यहां पर ये एक ये ले लिया और एक स्क्रीनशॉट ले लिया और यहां से इसको बैक कर दिया। अब मुझे जब भी एक्टिवेट करना हो मैं यहीं पर यूँ करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, मेन्यू सेटिंग, स्क्रीन ऑफ करना है तो स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वापस यूँ क्लिक करिए, यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप क्लिक कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि आप सिंगल टैप से कॉल और कोई भी आपकी एक्टिविटी को कर सकते हैं, अलार्म इनकमिंग कॉल या फिर अलार्म इनकमिंग कॉल अलर्ट्स को आप सिंगल टैपिंग से उठा सकते हैं। यही फीचर बताया था, हिडन फीचर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, साथ में
अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, ताकि जैसी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों।